तो बोलना भाई मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ से एक कदम मैंने आगे बढ़ा लिया, और इसका मैं रेट बता देता हूँ, जो पावर बैंक मैंने लिया है, ये पावर बैंक है, ये मैंने मार, और एक बार इसका लाइव डेमो भी देख लूँ भाई, चल रहा नहीं चल रहा, इसके नीचे कुछ चिपका तो रखा है, इन्होंने पागल तो नहीं बना दिया, हाँ यार। सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं तो बढ़िया हूँ। तो भाई लास्ट संडे का आपको ध्यान होगा मैंने चोर बाजार की वीडियो डाली थी, तो आप सब में से काफ़ी बंदे जानना चाहते होंगे कि यार मैंने लिया क्या है, क्या लिया मैंने चोर बाजार से जो मैं गया था। एक बार मैं पहले गया था तो उस टाइम जींस लेके आया था, मैंने आप सबको नहीं दिखाया था क्योंकि मुझे लगा कि यार जींस कोई दिखाने की चीज़ है। अच्छा, एक तो फटी पुरानी इतनी सारी मतलब जींस होती है वहाँ पर, और उसे डिफेक्टेड वाली दिखाऊंगा क्या आपको, मतलब आज से ज़्यादा तो डिफेक्टेड ही होता है मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, इसलिए मेरा दिखाने का मन भी नहीं कर रहा वाली जींस। जो सेकेंड टाइम में मैं गया हूँ ना, तो उसमें मैं आप सबको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी है और आप सबको क्या चीज़ें वहाँ खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, तो आपको एक एक करके मैं दिखाता हूँ। और हाँ, वीडियो पूरी एंड तक देखना क्योंकि मैं इसमें बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप वहाँ पर, और क्या गलती ना करो वहाँ जाकर, वो मैं आपको बताऊँगा, और क्या चीज़ खरीदें क्या चीज़ ना खरीदें वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो मैंने लिया है, जो मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो है पावर बैंक, ये रहा भैया MI का पावर बैंक, आपको दिखा देता हूँ पास से, देखो MI का है, कहा पता चिट लगा रखी हो तो वैसे चिट लगाई होती तो ऐसे निकल जाता। अच्छा, ऐसा नहीं निकल रहा, तो MI आपको दिख गया होगा ना, जिसको दिखा वो हाथ खड़े करो, नहीं नहीं कमेंट करो। तो आपको इससे बैक साइड का दिखाता हूँ, ये जो चार्जर है ये है 25,000 mAh बैटरी इसकी, देख रहे हो, थोड़ा और पास दिखाता हूँ, 25,000 mAh बैटरी यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा। अच्छा, मेड इन चाइना लिखा है क्या, मेड इन चाइना, ओ माय गॉड, कट गया भाई। तो भाई लेके गलती कर दी मुझे लग रहा। तो भाई ये जो मैंने पावर बैंक लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं आई है, इसका मैं प्राइस ही बताऊंगा आपको लास्ट में, अभी पैसे बने रहो मेरे साथ, मैं आपको लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ इसका, नहीं तो आप में से काफ़ी सारे बंदे बोलेंगे कि भाई तूने तो कुछ भी ले लिया दिखाया नहीं, तो पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो भाई ये रहा फ़ोन, ये है रेडमी का, इसी की कंपनी का है, तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, हो जा रहे इसकी है, इसकी है। क्या करना पड़ता है हो ना, अबे कट गया मेरा तो, अरे यार सी टाइप है इसका। इसका जो लाइव डेमो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, बाकी ये चल तो अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट एक दिक्कत है इसमें जो आप सब देख लेना अगर पावर बैंक ले रहे हो तो, वो ये है कि जब इसका एक बटन है ना, यहाँ पर देखो आपको बटन दिख रहा होगा, ये बटन ना ऑफ में ही रहता है हमेशा, इसको मैं ऑन करूँगा, ऑन हो गया, फिर क्या हुआ 10-15-20 मिनट तक चार्ज करता रहेगा फिर एकदम से ऑफ हो जाता है, पर चार्ज करता है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर ये ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाता है चाहे लगा रखा होगा फ़ोन भी, तो वो चीज़ मेरे को इसकी पसंद नहीं आई। बाकी ये यार इतने में इतना ही मिलेगा वाली बात है, आप समझ लो, मैं उसका अभी अमाउंट बताने वाला हूँ कि मैंने कितने में लिया। और एक फीचर और इसमें मैं दिखाता हूँ सबको, अच्छा ये देखो है ना, ये देखो टॉर्च भी है इसमें, तो कहीं पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है लाइटनिंग की तो इसका इस्तेमाल करो, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना ना भूले। अब लाइट जला लेते हैं, इससे अच्छी तो लाइट यहाँ, तो ये लाइट देख के तो मैं डर गया पहली बारी में, तो मैंने उसको उसी टाइम रख दिया कि भाई काफी है। और दूसरी चीज जो मैंने ली है, वो लिया है मैंने, नहीं फोन क्यों लो भाई, नहीं लिया मैंने क्योंकि मेरे को मिला नहीं चोर बाजार जामा मस्जिद वाले में, नहीं मिला। और दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है मेमोरी कार्ड, 64 GB का, मतलब 64 GB का मैंने लिया है मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड जो ये है वो है सैमसंग का आता है वैसे, आता है या नहीं आता वो मुझे कमेंट करके बोलो, बाकी मैं इतना ध्यान नहीं देता कि कौन सा क्या आता है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ में आता भाई, सैंडिस्क, बस सैंडिस्क के लेता हूँ मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, और किंगस्टन के आते थे वो लेता था बस, सैमसंग का मुझे ना पता हो भाई ये। और इसको देख के फ़ोन पे थोड़ा भरोसा उठ गया, मेरे फ़ोन में भी 64 GB है सिर्फ स्पेस,
मैं कह रहा भैया मेमोरी कार्ड ले लूँ उससे बढ़िया तो यार। तो तभी मैंने क्या करा, मेमोरी कार्ड ले लिया 64 GB का, क्या पता है चिट निकाल दो, पता चला 8 GB का निकले। ओए कुछ चिपकाया हुआ लग तो रहा है, इसके नीचे कुछ चिपका तो रखा है, इन्होंने पागल तो नहीं बना दिया। ओह हो हाँ यार कुछ चिपका रखा है इन्होंने, देखो आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ मैं, इन्होंने क्योंकि चिट लगा रखी है, क्या पता कुछ हो इसमें। खुलना यार, इतने का तो लिया अभी 1 GB फाड़ दिया क्या, मैं वहाँ तहलका मचा देंगे। अबे भैया कट चुका है हमारा। सो भैया आपके सामने मैंने लाइव दिखा दिया, हमारा काट दिया गया है, जो अभी 64 GB लिखा हुआ था आपके सामने मैंने दिखाया वो निकला 8 GB, बस एक चिट लगा रखी है। आप कह रहे होंगे तो आप दिखा रहे हैं वीडियोस ये सारी, मैं इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आप सबको दिखाना चाहिए कि आप सब भी वहां जाके ऐसी गलती ना करें जो मेरे से हुई है, जो यहाँ 64 GB लिखा हुआ था वो निकला 8 GB। तो ये होता है भैया धोखे में आते हो ना तो यही होता है, देख रहे हो भाई 8 GB निकला, बस एक चिट लगा दी, लो 500 का, 550 का, 64 GB 500 का। अबे 500 का बोल रहे हो, जरा सोच तो लो भाई, किसको बोल रहे हो, हमको पागल ही बना सकते आप, वैसे हमारा पागल तो बना दिया गया है। पर इसका रेट बताऊंगा ना मैंने कितने में लिया, आप मानोगे नहीं, पर आपको मानना पड़ेगा, अभी मैं बताता हूँ इसका रेट, और एक बार इसका लाइव डेमो भी देख लूँ भाई चल रहा नहीं चल रहा। अरे खुल जाए, पैकिंग शैकिंग तो ऐसे कर रही है, पता नहीं कितना ब्रांड का होगा भैया। आड़ा इसको 8 GB का लिखा हुआ है, काट दिया ऐसे तो यार रौनक भी ले गया। ओहो इनके पास टेक्निक ये रहती है, ये देखो देख रहे हो साइड से लगा दो निकालो और चिपका देखो कैसे रखा, कुछ चिपका थोड़ी ना है बस ऐसी लगा रखा है। ये निकला इसका, ओहो इसमें लिखा हुआ है 64 GB, ये देखो 64 GB लिखा तो हुआ इसमें, देख रहे हो 64 GB 64 GB। अब मैं एक बार इसको टेस्ट करता हूँ अपने फ़ोन में, आई डोंट हैव पिन टू ओपन माय सिम स्लॉट और मेमोरी कार्ड स्लॉट, तो व्हाट कैन आई डू, तोड़ दूँ, नहीं पैसे लगाए इसमें, तो इसको पिन मैं पहले ढूंढ के आता हूँ एक मिनट। सो भाई आपके सामने मैं चेक तो कर रहा हूँ, पिन मेरे को मिल गई कहीं से ना कहीं से करके। अब मैं फटाफट इस फ़ोन का स्लॉट निकालता हूँ सिम का और मेमोरी कार्ड का, ये दोनों सिम गिर गई थी, अब इनको संभाल के रख दो, रख दिया ठीक है भाई। अब इसमें डालेंगे मेमोरी कार्ड, बाप रे क्या मेमोरी कार्ड है भाई, इसमें 8 GB लिखा हुआ था। अब देखो आपके सामने मैं डाल रहा हूँ, लाइव डेमो कर रहा हूँ जैसे आपको लेना हो तो ठीक है, इसमें 64 GB तो लिखा है, पर देखते हैं भी 64 का 8 GB निकलता है या 2 GB का निकलता है या फिर नील निकलता है। तो आपके सामने मैंने लगा दिया ये, तो भाई ये लगा दिया मैंने, जाकर पासवर्ड तो हमें पता, आपको ना बताएं, देखते खुल गया। तो इसका मैं फाइल मैनेजर देखता हूँ, फाइल मैनेजर इसमें होता है एक्सटर्नल कुछ आ ही नहीं रहा, ना एस डी कार्ड ना कुछ, तो यही होता है क्या करें। अब मुझे लग रहा है ये ख़राब है या फिर मेरे को दूसरे किसी फ़ोन में चेक करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट एक बार चेक कर लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आप सबसे। सो भाई जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था कि मेमोरी कार्ड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, पहले फ़ोन में तो मैंने चेक कर लिया उसमें तो कुछ नहीं आया, सेकेंड फ़ोन में भी मैंने जैसे यूज़ करा इसको तो कुछ नहीं आया, तो भाई देखो इसमें भी हमारा कट गया जो आपको दिख रहा है सैमसंग का मेमोरी कार्ड। मुझे तो ये बताओ ये होता है कि नहीं होता है सैमसंग का मेमोरी कार्ड, मुझे बताना, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कभी कि भाई मेमोरी कार्ड इसके भी होते हैं, इस कंपनी के होते हैं, उस कंपनी के, मुझे सैंडिस्क किंगस्टन पर एक दो कंपनी के बस सैमसंग का नहीं पता था। तो भाई इसी चक्कर में आप सबको मेरे को दिखाना था कि ये तो भैया डिफेक्टेड निकला, ख़राब निकला, इसका मैं रेट अभी बताऊंगा आप सबको, आप भी शॉक्ड हो जाओगे, शॉक्ड कि भाई कैसे ले लिया तुमने, लिया कैसे लेते हैं ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा जो फेवरेट है वो सैंडिस्क का ही है, जैसे मैं आप सबको पहले भी बता रहा था, तो सैंडिस्क का 16 GB का मेमोरी कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, ये रहा ओरिजिनल ये रहा नकली, ये आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ वहाँ पर आपको मिले ना, आपको सैमसंग के ऐसे मिलेंगे, देखो सैमसंग के मेमोरी कार्ड 64 GB 128 GB ऐसे मिलेंगे आपको ठीक है, और वहाँ पर वो बस रेट बढ़ा के बोलते रहेंगे, तो उनको बोलना भाई कि हमको जरा चेक करना, तो बोलेंगे नहीं चेक कैसे करोगे पूरा पैक्ड है, तो उनको बोलना भाई रुको रुको, उनके हाथों से ऐसे छीनना सॉरी पकड़ना, और पकड़ते ना यहाँ पर, यहाँ पर रुको रुको इसको बंद कर देगा,
ऐसा देंगे आपको ऐसा, ठीक है। तो ना ऐसे करके पकड़ना और यहाँ पर ना ऐसे करके ये निकल रहा होगा थोड़ा सा इधर या फिर इधर की साइड से ये निकल रहा होगा। इसको जैसे आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये देखो यहाँ से निकल जाएगा मेमोरी कार्ड होगा ना ऐसे निकल जाएगा। पेन ड्राइव का मैं आपको बताने वाला हूँ, रुको बताता हूँ अभी। तो ऐसे ही निकालना अपने फ़ोन में चेक कर लेना, नहीं तो वो बोलेंगे भाई चेक नहीं करने देंगे सील्ड पैक्ड है, तो उनको बोलना भाई हमको तो खोल के दिखाओ, हमें खोल के दिखाओ नहीं तो मत दो। वो बोलेंगे मत देखो रहन दो और भी आ जाएंगे। तो उनको बोला भाई अगर चेक कर रहे हैं ना चिल्ला के बोल देना, शोर करके या ऐसे करके बोल देना हमको चेक करना है भाई, ऐसे दे दोगे क्या तुम कुछ भी, तो तभी चेक कर लेना आपसे वहाँ पर आपको सेम मिल जाए। तो हमको तो भैया ख़राब मिल गया ये भी, ये वाला समझ रहे मेमोरी कार्ड आपको फिर दिखा देता हूँ सैमसंग का 64 GB लिखा हुआ था जिसमें, तो इसको आप कूड़े में फेंको। तीसरी चीज़ आप सबको मैं दिखाता हूँ जो मैंने वहाँ से बाय करी थी, वो है पेन ड्राइव। तो वो है ये रहा सैंडिस्क का, उल्टा तो नहीं, हाँ अभी देखो सैंडिस्क का पेन ड्राइव है जो मैं आपको बार बार सैंडिस्क का मैं आपको मेमोरी कार्ड बोल रहा हूँ तब से, तो मुझे भरोसा आया तो भरोसे में मैंने ले लिया पेन ड्राइव भी। जब पेन ड्राइव मैंने देखा घर में आया, ये भी पैक्ड था, घर में आया तो देखा खोल के, अब मामा कह रहे वाह यार पेन ड्राइव ला दिखाइयो जैसे खोला फिर देखा खोखला, मामा इतना हंसे हम पे, ये भाई ये क्या ले आए तुम, इसकी क्या हम सीटी बजाएंगे क्या, अरे बज रही है, चलो सीटी बजाने के तो काम आएगा। तो खाली निकला है, खाली है पेन ड्राइव। तो आप देख लेना वो ये भी आपको ऐसी पैक्ड में ही मिलेगा, ऐसे पैक्ड में पेन ड्राइव कहीं लगा रखा होगा, वो उस टाइम भी उसके साइड से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा तो निकाल के देख लेना, ठीक है, कि खाली तो नहीं है, नहीं तो वो ऐसे आपको पकड़ा देंगे लो खरीद लो ये लो ये लो, पर खोल के जरूर देख लेना क्योंकि खाली निकलेगा ऐसे चोर बाजार में जाओगे। तो इसमें भी हमारा कट चुका है। तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि भाई देखो इन सब के रेट बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको गलती नहीं करनी चाहिए। गलती तो भैया ये मत करो कि वहाँ जाके आपने बस ऐसे सील्ड पैक ले लिया तो बोला हाँ भाई बार्गेनिंग कर करके तुम ऐसे ले आओ, चेक जरूर कर लेना। हमने चेक नहीं करा था और चेक इसलिए नहीं करा क्योंकि वहाँ पर कमेटी मेंबर्स आ गए थे तो वो फटाफट भगा रहे थे, तो ये भी बस बेचे जा रहे थे ऐसे कि लो 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 जाओ जाओ। और इसका मैं रेट बता देता हूँ, जो पावर बैंक मैंने लिया है ये पावर बैंक है ये मैंने मात्र 100 रुपया में लिया है। आप सब भी करेंगे 100 रुपये में या 100 रुपये में, ये आपको 550 ऐसे बोलेंगे, 450 जैसे ही बोलना तो बोलना भाई 100 रुपये में दे रहे हो 100 रुपये में, वो बोलेंगे नहीं नहीं, तो बोलना भाई मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ठीक है, यहाँ से एक कदम मैंने आगे बढ़ा लिया तो मैं नहीं लेने वाला, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ दे रहा है दे रहे हो, मना करे चले जाओ मत आना वापस। अगर उसी टाइम तुमको दे दें वो बोले नहीं नहीं 200 लगा, 200 नहीं भाई 100 रुपये बोला तू बता दे एक बार दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चाहे बड़ा हो छोटा जो भी उसको बोल देना ऐसा कि भाई दे रहे हो 100 में दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और एक कदम तुमने आगे बढ़ा के तुम चले गए ना फिर तुमको बुलाएं तो गलती से भी मत लेना क्योंकि पता चले जो डिफेक्टेड होगा वो तुम्हारे हाथ में पहुंचा दे, चेंज करा दे दिया, इस चीज़ का ध्यान रखो ठीक है। तो ये मैंने तभी 100 रुपये कर लिया, देखते हैं कब तक चलता है, थोड़ा बहुत आपके सामने तो मैंने दिखा दिया, चलाते हुए नहीं दिखाया ना, पर ये कि मम्मी का जो फ़ोन है वो सी टाइप है तो मैं इसमें आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो ये और जो ये मेमोरी कार्ड है ये भी मात्र 100 रुपया में लिया है मैंने, हमको 450 कह रहा था मैं, अला भाई 100 रुपये बता, और ऐसी बात कर रहा हूं मैं भाई मुंह से ऐसी बात कर रहा हूं, अच्छा 100 रुपये का दे दे यार दे रहे हो, मना कर करके उसने दे दिया, हाँ ले जाओ भैया आप क्या बोले, आपको भी मैं क्या बोले, आप द बीस्टेंस बोलिए हमें बोला नहीं ऐसे मैंने पर कह रहा हूं बोल लो ठीक है। और ये जो पेन ड्राइव लिया है इसका भी ये कह रहा था 650 आपको वहां पर 128 GB के भी पेन ड्राइव मिलेंगे, मेमोरी कार्ड भी मिलेंगे, बहुत चीजें मिलने वाली है, तो भाई रेट बिल्कुल कम कर दो समझ रहे हो, 100 जैसे 100 रुपये का आप कुछ ले रहे हो तो 15 रुपये का बोलो ठीक है, 15% सिर्फ इस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि रेट तो भैया कम करके बोलना ही पड़ेगा, तो मैं नहीं कर पाओगे तो आपका कट जाएगा, तो इसलिए मत कटाना जरूर, मैं आप सबको पहले बोल रहा हूँ ये चीज ठीक है। तो मैंने आप सबको बता दिया कि ये गलती बिल्कुल भी मत करना है, इसका रेट भी बता दिया है, वहाँ पर अगर जाओ तो भाई बिल्कुल सेफ्टी के साथ जाओ, पैसे वैसे जो रखे हैं उनको सेफ्टी से रखो, उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे कि यार पैसे कैसे लेके जाएं कहाँ रखें क्या करें पूरा अच्छे से, आप बस कमेंट कर देना ऐसा कि जो मैंने बताया वो चीज़ ठीक है। तो भाई अभी की वीडियो मैं आपको इतनी ही दिखा रहा हूँ और इन्फॉर्मेटिव, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और सभी को शेयर करना यार क्योंकि सभी को पसंद है चोर बाजार में जाना। और अभी की वीडियो में इतनी रखता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आप सब भी खुश रहना। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।